ए लगा। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। आई दोस्तों, आज बात उस अभिनेता की जो उस दौर में एक्टर बने जब एक्टिंग को सबसे खराब पेशा माना जाता था। 40 और 50 के दशक में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले ये अभिनेता पहले सुपरस्टार कहलाए। इस अभिनेता ने 60 दशक से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता फिल्मों में काम न करके एक वकील बनना चाहते थे? और क्यों? इस अभिनेता की पहली शादी टूट गई थी और अभिनेत्री कियारा आडवाणी का इस अभिनेता से क्या रिश्ता है? और भी जानेंगे बहुत कुछ, आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता अशोक कुमार की लाइफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ। अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था। इन्हें प्यार से लोग दादा मुनि कहकर बुलाया करते थे। अशोक कुमार अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अशोक कुमार के पिता कुंजीलाल गांगुली एक लॉयर थे, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ। अशोक कुमार के पिता कुंजीलाल उन्हें अपनी ही तरह एक लॉयर बनाना चाहते थे। अशोक कुमार ने अपने पिता की बात मानते हुए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो वह उसमें फेल हो गए। अशोक कुमार पिता के डर से अपनी बहन सती देवी के घर मुंबई चले गए। सती देवी के पति शशधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज में एक बड़े पद पर थे। अशोक कुमार अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शशधर मुखर्जी से अपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी लगवाने की गुजारिश की, जिसके बाद उन्हें बॉम्बे टॉकीज के लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर नौकरी मिल गई। अशोक कुमार को सैलरी के रूप में 3 महीने के 75 रुपए मिला करते थे। साल 1930 के समय के हिसाब से ये सैलरी उस समय बहुत ज्यादा थी। अशोक कुमार बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे कि एक दिन अचानक ही अशोक कुमार को अभिनेता बनने का ऑफर मिल गया। दरअसल हुआ यूं था कि बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय फिल्म जीवन नैया बना रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी देविका रानी और नजमुल हसन लीड रोल प्ले कर रहे थे। अचानक नजमुल हसन इस फिल्म से बाहर हो गए। कहा जाता है कि वह देविका रानी के साथ भाग गए थे, हालांकि बाद में देविका रानी वापस आ गई। हिमांशु को एक नए चेहरे की तलाश थी, जो उन्हें उनके ही प्रोडक्शन हाउस में एक लैब असिस्टेंट अशोक कुमार में दिखी। फिर क्या था, हिमांशु राय ने अशोक कुमार को फिल्मों में काम करने के लिए मना लिया और फिर उनके अभिनय ने ऐसा जादू चलाया कि वह आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इस फिल्म में देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी काफी हिट रही थी। 1943 की फिल्म किस्मत के बाद तो अशोक कुमार रातोंरात स्टार बन गए। अशोक कुमार हीरो तो बन गए, लेकिन उस समय अभिनय की पेशी को खराब माना जाता था। जब अशोक कुमार के हीरो बनने की खबर उनके घर खंडवा पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पिताजी परेशान थे। दरअसल मुंबई आने से पहले उनकी सगाई हो गई थी और जैसे ही लड़की वालों को उनकी फिल्मों में काम करने की बात पता चली तो उन्होंने अशोक कुमार से शादी तोड़ दी। इसके बाद अशोक कुमार के पिता ने अपने दोस्त रविशंकर शुक्ल से मुलाकात की, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उनसे अपने बेटे की नौकरी के लिए बात की। शुक्ल ने उन्हें 2 नौकरियों के ऑफर लेटर दिए। अशोक कुमार के पिताजी वह लेटर लेकर नागपुर पहुंच गए। अशोक कुमार के पिता ने अशोक कुमार से एक्टिंग छोड़ने की खूब जिद की, लेकिन बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय के काफी समझाने के बाद अशोक कुमार के पिता ने अशोक कुमार को हीरो बनने की अनुमति दे दी। इसके बाद अशोक कुमार की शादी शोभा से हुई। अशोक कुमार जब 18 साल के थे तब 8 साल की शोभा को वह देखने गए थे। ये रिश्ता तय हो गया और जब उन्होंने शादी की तब वे 25 साल के थे और शोभा 15 साल की। इन दोनों ने सारी जिंदगी एक साथ ही बिताई। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कियारा आडवाणी का भी अशोक कुमार से एक गहरा रिश्ता है। दरअसल अशोक कुमार कियारा के परनाना लगते थे। कियारा की माँ जेनेवीव जाफरी की सौतेली माँ भारती गांगुली अशोक कुमार की बेटी थी, इस लिहाज से अशोक कुमार कियारा के परनाना लगे। वहीं अशोक कुमार के फिल्मी करियर की बात करें
तो अशोक कुमार की पहली फिल्म का नाम जीवन नैया था, जो कि 1936 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार लीड रोल में थे। अपनी पहली ही फिल्म से अशोक कुमार बॉलीवुड में छा गए। इसके बाद उन्होंने कंगन, बंधन और झूला जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद 1943 में आई ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड की यह पहली फिल्म थी जिसने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 1 साल तक यह फिल्म सिनेमा घरों में चली। अशोक कुमार देश के पहले सुपरस्टार बन गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि जब वे घर से निकलते थे तो भारी भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो जाती थी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कभी कभी लाठी चार्ज भी करना पड़ता था। अशोक कुमार ने अछूत कन्या, बंधन, किस्मत, महल, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, बंदिनी, मिली और खूबसूरत जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्में की। उन्होंने करेक्टर रोल से लेकर नेगेटिव किरदार तक निभाए। अशोक कुमार का स्टारडम और रुतबा ऐसा बन चुका था कि हर कोई उनके साथ काम करने के सपने देखता था। लोग उनकी एक झलक को पागल हो जाते थे। इतना ही नहीं, अशोक कुमार ने दूरदर्शन के कई धारावाहिकों में भी काम किया है। अशोक कुमार सिंगर किशोर कुमार के बड़े भाई थे। किशोर कुमार ने अपने छोटे भाई के चलते ही अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। दरअसल किशोर कुमार का निधन अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन के दिन हुआ था। ऐसे में अपने भाई की डेथ एनिवर्सरी के दिन अशोक कुमार ने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। किशोर कुमार का निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ था। अशोक कुमार को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1968 में आई फिल्म आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वहीं 1988 में उन्हें दादा साहेब फाल्के और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 10 सितंबर 2001 को 90 साल की उम्र में अशोक कुमार का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के पहले एंटी हीरो कहे जाने वाले अशोक कुमार भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी सदाबहार फिल्मों के जरिए वे हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। तो दोस्तों, अशोक कुमार के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।